ईशा नगर सोनाली कॉलोनी यहाँ पे जो ये घटना हुई है अतिशय दुखमय घटना है। जिस दिन ये हादसा हुआ अभी जानकारी मिली कि शॉर्ट सर्किट के वजह से ये हुआ है। MPSL कंपनी जो है उनकी मैं लापरवाही कहूँगा। यहाँ पे जो पूरी कॉलोनी है उसमें से साधारण 30 एक घर जलकर राख हो गए हैं। बहुत गंभीर घटना यहाँ पे हुई। ये घटना जैसी ही हुई वैसे हमारे ज़िले के पालक मंत्री आदरणीय नामदार दादाजी भुसे साहब तुरंत यहाँ पे पहुँचे, घटना की पूरी मालूमात उन्होंने ली और सरकार के तरफ से, पार्टी के तरफ से या हम एक इंसान होने के नाते हमारे मालेगांव में हुई हमारे ये गौर गरीब भाइयों की घटना, ये हमारी घटना है, ये समझ के क्या हम मदद कर सकते हैं, इसमें से क्या रास्ता निकाल सकते हैं, इसका प्रयास आदरणीय दादाजी भुसे साहब, हमारे युवा नेता आविष्कार जी भुसे, शिवसेना के सभी कार्यकर्ता हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आज ये देखने के लिए और क्या इस पे मार्ग निकाल सकते, क्या मदद कर सकते, क्या ज़रूरी है काम करना, वो देखने के लिए अभी हम सभी जन यहाँ पे उपस्थित हुए। देखा तो सब हाथ मजूरी करने वाले, बहुत गरीब परिस्थिति, कोई लूम चलाता है, कोई लूम कारागिर है, कोई हमाली करता है। और आज जब हमने देखा तो हमारा मन बहुत दुखित हुआ है। हर घर में किसी के पत्रे, सब पटरियाँ, सब सामान जलकर राख हो गया है। और आज ये सब परिवार, एक एक घर में चार चार परिवार है ऐसा आज हमने देखा। और 30-35 घर बोले तो आज 100-125 परिवार आज रास्ते पे आ गए, ये बड़ी दुख की बात है। और इनके साथ, इनके मदद के लिए खड़ा रहना ये हमारा पहला कर्तव्य है। और इसीलिए हमने ये पूरी जानकारी करने के बाद ये देखा कि सरकार तो आदरणीय दादाजी भुसे साहब हमारे खुद मंत्री है, सरकार में तो मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे साहब के यहाँ पे वो ये विषय जरूर रखेंगे। जो सरकार के तरफ से मदद हो सकती है वो तो करेंगे ही, लेकिन पार्टी के हिसाब से जो मदद करते आएंगी वो करने का हम सब जन प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अभी तो यहाँ पे हमने देखा कि हर यहाँ के हमारी माता बहनें वो भी छोटा मोटा रोजगार करती, कोई सिलाई मशीन चलाते, कोई क्या करते, वो भी उनका जो रोजगार जिस साधन से मिलता है वो भी जलकर राख हो गया है, वो उनको कैसे देते आएगा। उसके बाद में अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब तक वो सब मकान फिर से खड़ा हो सके, उसके पहले जो पूरा दिन अपना गुजरता है जिसके ऊपर वो खाना पीना वो सब सामान वो देना पहले ज़रूरी है, ताकि वो सब अपना जो दिनचर्या रहती है वो चल सके। वो हिसाब से अभी शिवसेना के, युवा सेना के सभी नेता आविष्कार बहुभूसे, यहाँ पे माजी कॉरपोरेटर तानाजी देशमुख, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फकीरा साहब हाजी हमारे, यावर अली, सभी जन यहाँ पे उपस्थित है। अभी वो जो मदद है, एक जो सहकार्य है, मदद तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम सब, हमारा परिवार, इन सभी को हमारा परिवार समझते हैं। और एक दूसरे को लिए खड़ा होना ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। और यही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है। ये समाज कारण करते वक्त समाज, हर समाज अपना है, और इसीलिए ये काम हम करने का यहाँ पे विश्वास दिलाते हैं। जो MPSL कंपनी है उनकी नैतिक जवाबदारी है कि उनके शॉर्ट सर्किट के वजह से आज ये सब समस्या खड़ी हुई, इतनी बड़ी घटना घड़ी है। और इसीलिए हम एक अच्छी सब मिलके मीटिंग लेंगे और उनको ये बताएंगे कि जो आपके लापरवाही से हुआ है तो उनके ही तरफ से कुछ मदद इन सभी घर वालों को होना जरूरी है, सरकार के तरफ से, पार्टी के तरफ से, MPSL के तरफ से, और हम हमारे जाति तौर पे भी इन सब के लिए मदद करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके ऊपर आया हुआ प्रसंग बहुत खतरनाक है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ है, ये विश्वास दिलाते, आप सब हमारे भाई है, बहनें हैं, आप कोई भी चिंता मत करो। मंत्री महोदय आदरणीय दादाजी भुसे साहब आपको अपना परिवार समझते हैं, हम सब आपके, अपने परिवार के लिए यहाँ पे हम खड़े उतरे हैं।
आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिन में हम सब मिलके इसमें से अच्छा रास्ता निकालेंगे और आने वाले दिन में आप सभी के चेहरे पे एक खुशी कैसे हो ये हम प्रयास करेंगे। इतना ही मैं कह के समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं जो थोड़ी देर पहले बताया कि जो अपना पहला काम रहता है कि अपना जो पूरी दिनचर्या जिससे चलती है, खाना पीना, जो किराना, वो सामान महीना भर एक परिवार को वो किराना चल सके, जो अनाज है, जो तेल राशन जो भी है, वो पूरा किराना राशन हर परिवार को यहाँ पे 20 दिन 25 दिन महीना भर चलेगा, ऐसा एक किट हमने बनाई है। वो सब सामान आज यहाँ पे आप सभी के उपस्थिति में दिया जाएगा। उसके साथ में मैंने जो बोला कि जो माँ बहनों का जो रोज़गार छोटे मोटा जो सिलाई मशीन से कुछ ना कुछ काम रोज़ 100-200 रुपए कैसे मिलेंगे, इसके लिए वो चलता था। अभी जब हमने देखे हर घर में मशीन जल के राख हुई है, वो मशीन भी देने का आविष्कार जी भूसे साहब ने और उनके सभी युवा कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे निर्णय किया है कि जो पत्रे सब घर के निकल गए हैं, घर का जो कुछ सामान जो महत्वपूर्ण है वो ख़राब हुआ है, जल गया है, तो दुरुस्त करने का और वो मशीन सिलाई मशीन हर महिलाओं को माँ बहनों को देने का आगे हम काम करेंगे। और बाकी तो मदद सरकार जो करने सरकार के तरफ से जो प्रांत साहब है, तहसीलदार है, जिन्होंने पंचनामे किए ऊपर तक पहुंचा के, वो पूरी मदद करने का भी हम प्रयत्न यहाँ पे करेंगे।